भारतीय किसान यूनियन के करनाल प्रवक्ता सेवा सिंह आर्य ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को आंदोलन से हटाने के लिए जो कोरोना का बहाना लिया जा रहा है वह बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल व अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोरोना महामारी का कोई असर नहीं है, परंतु जो किसान शांतिप्रिय ढंग से और स्वच्छ वातावरण में आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनसे कोरोना कैसे फैल सकता है। यह सरकार दमनकारी नीति से इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आंदोलन को सच में समाप्त करना चाहती है तो उनको किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि वह अपने घर को छोड़कर तपती धूप और ठंड के मौसम में आंदोलन पर बैठे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो पैरामिलिट्री फोर्स के बल पर किसानों के आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा तो उससे माहौल बिगाड़ने की आशंका रहेगी। यहां हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते किसान आंदोलन को समाप्त करने की अपील की गई है ताकि वैश्विक महामारी COVID-19 के देश में बढ़ रहे खतरे को रोका जा सके। सर, क्या बताना चाहते हैं? हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिले के सभी DCO को निर्देश दिए हैं कि किसानों को एक आंदोलनकारी बताया और उनको किसी न किसी तरीके वहां से उठाने के निर्देश दिए गए हैं। असल में बात यह है कि चाहे आंदोलनकारी बताओ या उठाने की बात करते हो, तो किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ डिमांडें हैं। किसान चाहते हैं कि उनके खिलाफ़ जो बनाए गए 3 काले कानून हैं, जिनको काले भी कहा जाता है, वैसे WTO के जो कानून बनाए गए हैं, जो विदेशी ताकतों के बलबूते पर इन्होंने कानून बनाए हैं, उन कानूनों को वापस ले लिया जाए तो किसान को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं। किसान इतना पागल और इतना मतलब भोड़ा नहीं है कि वो मतलब सड़कों पर जाकर दोपहरी में, बरसात में, सर्दियों में, कितनी कड़कती सर्दियों में बैठे रहे और इस सरकार को एक जू तक नहीं रहेंगी। और आज ये सरकार इतनी अठधर्मी पे आई हुई है कि वो उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहती। यदि वो बातचीत करते हैं तो किसान कब आंदोलन करना चाहते हैं? कब क्या ज़रूरत पड़ रही है आंदोलन करने की किसानों को? किसान तो 2 मिनट में, यदि सरकार उन 3 कानूनों को वापस ले ले तो जितने धरना स्थल पर बैठे हुए किसान हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, वो अपने घर जा सकते हैं। ये हमारी मतलब आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के आदेश या इसमें दिए है, अपने अखबार में उन्होंने दिया है कि या तो किसान अपनी मर्जी से उठ जाएं, अन्यथा उन पे फोर्स की कार्रवाई की जाएगी, उन पे मिलिट्री फोर्स की, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मतलब मिलकर के ये तैयार की है, रणनीति तैयार की है, क्लीन सेफ कर देंगे हम मतलब आंदोलनकारी को। किसान आंदोलनकारियों का नाम देना किसानों को, किसान केवल मात्र अपनी बात के लिए उनके पास गए थे, लेकिन सरकार इतनी अठधर्मी पे आई हुई है, इतनी मतलब गबरू में है कि वो किसी से बात भी नहीं करनी चाहती, कोई कानून नहीं लेना चाहता। ये हमारे बैठने पे, हमारे जो वहाँ स्वच्छ तरीके से बैठे हुए हैं, जो आराम से उस एरिए में इतना स्वच्छ और सफाई रख करके बैठे हुए हैं, उनके लिए तो कोरोना की रिस्क की बात कर दी जाती है, कोरोना आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, इनसे संक्रमित तो हो सकते हैं। क्या बंगाल में उड़ीसा में या उधर जो असम में रैलियां हो रही हैं, जो इनकी बड़े बड़े चुनाव चल रहे हैं, उनसे कोरोना नहीं हो सकता क्या? इनके जब ये अपना बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, जब कोरोना नहीं होता, किसान के बैठने से कोरोना होता है। ये सरकार जानबूझकर षड्यंत्र रचना चाहती है, इनको किसानों को मतलब दबाना चाहती है। इनकी नीति मतलब जो है वो अंग्रेज़ों जैसी नीति है, जैसे अंग्रेज विदेशी थे और वो इस देश की जनता को जब चाहे जब मतलब मार देते थे, पीट देते थे, उनको उठा देते थे, वो ही तरीका ये सरकार अपनाना चाहती है। यदि सरकार या मुख्यमंत्री जी, हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, यदि वो चाहते हैं कि किसान वहाँ से उठ जाएं, तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए कि इनकी बात सुने और इनकी बातों को सुन करके आगे मतलब इनके वो हक को दे, तो किसान उठ जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे इनको उठाने की बात क्यों करते हैं? हम उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम तो करो, हमारा अधिकार तो हमको दे दो, वो 3 कानूनों को वापस ले लो, रद्द कर दो या बातचीत कर दो। अभी 2.5 महीने से तो लगभग बातचीत ही नहीं हो रही है कोई कुछ भी, 3.5 महीने लगातार हो गए किसान को बैठे हुए, बीच में बातचीत करके इनको एकदम कर्म को तोड़ना, ये सरकार की अठधर्मिता का परिचय है कि जब सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार का दायित्व बनता है कि अपनी प्रजा के बारे में सोचे, अपनी प्रजा को जाकर के देखे कि प्रजा क्या कह रही है, क्या ना कह रही है। कुछ आदमियों के लिए,
कुछ आदमियों को भला करने के लिए, पूंजीपतियों का भला करने के लिए, कॉरपोरेट घरानों का भला करने के लिए ये सरकार मतलब इन किसानों के ऊपर दबाव बनाना चाह रही है। मैं फिर इनके मुख्यमंत्री जी से भी, केंद्र सरकार के मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर दो, इनके साथ बातचीत करो, किसानों के साथ बातचीत करके इनको किसी भी तरह से राजी करके वहाँ से उठाए, अन्यथा जोर जबरदस्ती हुई तो इसका नुकसान भी सरकारों को और इस देश को हो सकता है। पता नहीं क्या हो जाए, क्या मन में किसके है, क्या कैसे कैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ टकराव, क्योंकि ये देश हमारा है, देश ये किसी का नहीं है। सरकारें तो 5 साल के लिए आती हैं चली जाती हैं, लेकिन हमने तो इस देश के अंदर मतलब सदा सदा के लिए रहना है, पूरी जीवन इस देश के अंदर करना है। हम इस देश के लिए स्वाभिमानी है, देश हमारा है, देश पे मतलब जो जितनी देशभक्ति इस किसान के अंदर है, इतनी देशभक्ति किसी के अंदर है। जब यह देश भूखा मरता था, जब इस देश के पास एक दाना नहीं हुआ करता था, तब भी मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। उन्होंने कहा था कि इस देश में मतलब इतना अनाज पैदा कर दो कि हम अपने अनाज को दूसरे देशों में भेजें। आज इस देश की सरकारें क्या कर रही हैं कि हमारे अनाज को तो यहाँ दबा दिया जाता है, हमारे अनाज को तो यहाँ कवर कर लिया जाता है, और जब यहाँ कुछ घाटा होता है तो बाहर से अनाज को मंगा लिया जाता है। जब यहाँ अनाज ज़्यादा पैदा हो रहा है तो बाहर का अनाज की यहाँ क्या ज़रूरत है। जब हमारी प्याज महंगी होने लगती है तो ये दूसरे प्रांतों से, दूसरे देशों से मतलब प्याज मंगा लेते हैं, गुड़ मंगा लेते हैं, शक्कर चीनी मंगा लेते हैं। क्या इस देश के किसानों को मतलब अधिकार नहीं है कि वो अपनी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य ले? इस किसान की भी सुनो और इन किसानों के साथ मतलब बातचीत करके उसका हल निकालें, जोर जबरदस्ती ना करें। यदि जोर जबरदस्ती हुई तो इसमें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, किसान का भी नुकसान होता है। किसानों को ये चाहते हैं कि वो वहाँ पर आदमी नहीं है, अभी हमारी फसल ख़त्म हो चुकी है, हमने अपनी फसल काट ली, भूस थोड़ा मतलब उठा लिया है, अब सभी किसानों का रुख भी दिल्ली की तरफ होगा। मुख्यमंत्री का कहना है विरोध करना हर किसी का हक है, लेकिन समय सही नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री शाना आदमी है, मुख्यमंत्री हमारे पूजनीय भी हैं, अच्छे भी हैं, हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। अधिकार है, प्रजातंत्र में अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार भी है और वो भी करने का, लेकिन समय क्या है? जब हमने ये आंदोलन शुरू किया उस समय से आज तक, आज क्या समय आ गया है इसके ऊपर? आज कौन सी आफत आ गई इसके ऊपर? जब हम कोरोना टाइम में बैठे थे, कोरोना टाइम में जब ये कानूनों को बना रहे थे, जब ये संसद में पास कर रहे थे, राष्ट्रपति पे ज़बरदस्ती पास करवाया जा रहा था, तब कोरोना ये दिखाई नहीं दिया था, उस टाइम कोरोना नहीं था। लेकिन किसान बैठ जाता है तो कोरोना की आवाज़ आ जाती है, भाई बगावत की आवाज़ आ जाता है, पता नहीं किस किस प्रकार के हमारे को मतलब ये कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि किसान देशभक्त है और किसान ने कभी भी अपने देश के प्रति मतलब कोई नुकसान की बात नहीं कही। हमेशा किसान वफादारी के साथ रहेगा और इस देश को चलाता रहेगा, इस देश की व्यवस्था को भी बनाने में किसान की अहम भूमिका होती है। लेकिन आपके जो राजनीतिक जो लोग हैं, वो कुछ लोग जो आपके पार्टी के लोग हैं, वो अलग अलग बयान दे करके षड्यंत्रकारी नीतियों का हिसाब बना करके इन लोगों को पता क्या क्या बात कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी बोल देते हैं ये उग्रवादी हैं, कभी कुछ। ये आपकी पार्टी के लोग ही इन किसानों को भड़काने के मेन आदमी हुआ है। अगर सरकार द्वारा किसानों को उठाने के लिए जोर जबरदस्ती की जाती है तो किसानों का आगे क्या? देखिए किसान वहाँ निहत्थे बैठे हैं, यदि सरकार जोर जबरदस्ती करेगी तो हो सकता है कि वहाँ भी प्रतिशोध हो सकता, प्रतिशोध होगा, आदमी मर भी सकते हैं। ये प्रतिशोध करने से पहले सरकार को 100 बार सोच करके या तो इन तीनों कानूनों के बारे में विचार विमर्श करे सरकार, केंद्र सरकार से इनका विचार विमर्श करा करके जब ही हरियाणा सरकार ने कोई अगला कदम उठाना चाहिए। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को कहने की बात तो नहीं करती कि हम जाकर के वहाँ दबाव देंगे, हम उनको कहेंगे कि ये कानून हरियाणा और पंजाब या पूरे देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि इन कानूनों के तहत हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका भी नुकसान होगा। ये अर्थव्यवस्था केवल मात्र 3 आदमियों के लिए नहीं है, ये अर्थव्यवस्था केवल मात्र इस कुछ पूंजीपतियों के लिए नहीं है। इस अर्थव्यवस्था में गरीब आदमी भी आता है, छोटा आदमी भी आता है, कर्मचारी भी आता है, किसान भी आता है, दुकान छोटे दुकानदार भी आते हैं। यदि ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो कुछ ही चंद आदमियों के अधीन इस देश की मतलब सारी की सारी अर्थ की जो ताकत है वो उनके पास चली जाएगी, और जिस दिन वो ताकत उनके पास चली जाएगी तो इन सरकारों का कुछ नहीं उठता, वो सरकारों पर भी हैवी हो जाएंगे और ये सरकार ये फिर उस दूसरे देशों की डायरेक्ट फिर हम गुलामी की तरफ चलने पड़ेंगे, क्योंकि
उन पे ताकत ज़्यादा हो जाएगी, केंद्र सरकार पे ताकत कम रहेगी, राज्य सरकारों पे नहीं ताकत रहेगी। तो जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, धन दौलत ही नहीं रहेगी, तो अमीर आदमियों की मतलब ताकत बढ़ जाएगी और राजा प्रथा फिर से शुरू होने के भी हमें डर रहा है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सेवा सिंह आर्य है, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद। अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।